पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सरपण आए। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में बच्चों वी हैव कंप्लीटेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, एंड दैट थ्योरम हैड एप्लीकेशंस इन टू पोर्ट नेटवर्क एज वेल। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग कंपनसेशन थ्योरम पढ़ेंगे। सी, कंपनसेशन थ्योरम एंड टेलिगन थ्योरम, दीज आर द टू थ्योरम्स दैट आर लेफ्ट इन योर सिलेबस। बोथ ऑफ दीज थ्योरम्स आर नॉट important from gate point of view, but you get a question in your semester examination especially from these two theorems because they are relatively easy। ठीक है ना बच्चों, theorems बहुत easy है but उनको समझना important है। Once you understand the concept, the procedure, how to apply these theorem, the question becomes very easy। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे compensation theorem। Screen पे it's displayed the basic requirements। The basic requirements for this theorem are as well linear, bilateral and independent sources. That means आपका network linear होना चाहिए, bilateral होना चाहिए और the circuit या network should have independent sources. Dependent sources के case में we won't be applying compensation theorem. अब बच्चों compensation theorem समझने से पहले एक basic logic समझना बहुत जरूरी है. For example, मेरे circuit में कोई resistance है, जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों ये वोल्टेज ड्रॉप सर्किट के मेन सप्लाई के लिए एक अपोजिंग वोल्टेज का काम करता है। यही सेम कॉन्सेप्ट जो बेसिकली ओम्स लॉ पे डिपेंड कर रहा है हम कंपनसेशन थ्योरम में यूज करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन पर लिखा है एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये थ्योरम बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने एक नेटवर्क, एक सर्किट बना रखा है। द वोल्टेज सोर्स इज VTH एंड एक थेवेनिन इंपेडेंस है ZTH और एक लोड है बच्चों Z। ठीक है ना, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग KVL मैंने करंट का वैल्यू निकाल लिया एंड करंट का वैल्यू है VTH अपॉन ZTH प्लस Z। फाइन, अब बच्चों मान लेता हूं अगर मेरा ये इंपेडेंस Z चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो, अगर मैं Z का वैल्यू Z प्लस डेल्टा Z कर दूं। इस केस में बच्चों Z प्लस डेल्टा Z की वैल्यू, Z प्लस डेल्टा Z होने से सर्किट के बाकी सब पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। अब सर्किट के एक ब्रांच का मैंने इंपेडेंस चेंज किया तो वहां का करंट चेंज हो गया। बच्चों तो बाकी सारे करंट्स भी चेंज हो गए और बाकी सारे करंट्स भी चेंज हो गए तो वोल्टेजेस भी चेंज हो गए। दैट मींस अगर मैं सर्किट का कोई एक इंपेडेंस भी चेंज कर रहा हूं तो सर्किट के सभी पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। यही चेंज निकालने के लिए बच्चों हम कंपनसेशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझेंगे, कंपनसेशन थ्योरम मुझे चेंज निकाल के बताता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे वो फाइनल वैल्यू कभी नहीं देगा, वो मुझे चेंज्ड वैल्यू देगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहले करंट था आई, आप दूसरा सर्किट देखिए, दिस इज द सेकेंड सर्किट। यहां पर देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि जब मेरा इंपेडेंस जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाता है तो सर्किट का करंट बच्चों कितना हो जाता है, आई डैश। तो चेंज इन करंट कितना हुआ, चेंज इन करंट हुआ आई डैश माइनस आई, वॉट एवर आई माइनस आई डैश या आई डैश माइनस आई, आप कैसा भी ले सकते हो, वो साइन ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा डायरेक्शन के हिसाब से। तो दूसरे केस में जैसे ही मैंने इंपेडेंस को बढ़ाया, चेंज किया जेड प्लस डेल्टा जेड किया, तो मेरा करंट क्या हो गया बच्चों, करंट हो गया आई डैश। तो वॉट इज द वैल्यू ऑफ द चेंज इन करंट, चेंज इन करंट क्या हुई, आई माइनस आई डैश, या इसको मैं आई डैश माइनस आई कुछ भी लिख सकता हूं एज पर माई कन्वीनियंस एंड एज पर माई साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, तो ये मुझे डेल्टा आई का वैल्यू देता है। अब मेरा थ्योरम कहता है कि ये चेंज इन द वैल्यू बिल्कुल वही है जो कि तब होता अगर मैं सर्किट में एक नया वोल्टेज सोर्स इंट्रोड्यूस करता। कैसा वोल्टेज सोर्स, VC। देखिए मैंने एक और सर्किट बनाया, थर्ड सर्किट, इसमें ZTH वैसा है, Z प्लस डेल्टा Z वैसा है, मैंने एक और वोल्टेज सोर्स लगा दिया VC इज इक्वल टू I डेल्टा Z, जहां पर I इज द करंट प्रीवियसली फ्लोइंग इन द सर्किट एंड
डेल्टा जेड इज द चेंज इन द इम्पीडेंस, मतलब 5 ओम से अगर मैं 10 ओम कर रहा हूं तो 5 ओम, या 5 से 8 ओम कर रहा हूं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन इम्पीडेंस इज 8 - 5, दैट इज 3 ओम्स, ठीक है ना। तो I into delta Z का मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा। अब खास बात क्या रखनी है बच्चों, मुझे वोल्टेज सोर्स ऐसे लगाना है कि वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी मेरे करंट को अपोज करेगा, मतलब मेरा जो फाइनल करंट I है, मेरा वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी उस करंट के ऑपोजिट होना चाहिए। इसीलिए आप यहां पर देखेंगे मैंने -I delta Z लगाया हुआ, क्लियर है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, मैंने जो लिखा है स्क्रीन पर ये कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखा है बच्चों, जिस लैंग्वेज में हमें प्रोसेस फॉलो करना है। तो अगर आप इसको नोट कर लोगे तो आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नो नीड टू लर्न द डेफिनेशन, नो नीड टू लर्न द स्टेटमेंट, ठीक। हाँ, एक बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों, जब मैं इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन वोल्टेज। तो लॉजिक ये है बच्चों कि जब मैं कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा उस समय मुझे बाकी सभी सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब मैं कंपनसेशन वोल्टेज लगाऊंगा उस समय मुझे सर्किट के बाकी सभी वोल्टेज और करंट सोर्सेस को, बेसिकली वोल्टेज सोर्सेस ही होंगे, उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब बच्चों अगर मैं वोल्टेज सोर्स पे डील कर रहा हूं तो दैट मींस मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। अगर आप यहां पर देखेंगे दिस VTH, बट यहां पर ये VTH बच्चों शॉर्ट है, देखिए यहां पर ये VTH मैंने शॉर्ट किया हुआ, क्लियर है। तो अलग अलग पेन से आपको ये समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, फाइन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली है नॉर्मली, मुझे जो रेजिस्टेंस दिया था उस रेजिस्टेंस के साथ, उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस चेंज किया, एक और नई करंट आई, उस करंट की वैल्यू निकाल ली, फिर बच्चों मैंने चेंज इन दी करंट निकाल लिया, डेल्टा आई, आई डैश माइनस आई या आई माइनस आई डैश कैसा भी ले सकते, ठीक। मेरा कंपनसेशन थ्योरम कहता है कि सर्किट के एलिमेंट्स या सर्किट के पैरामीटर, सर्किट की वैल्यूज में जो चेंज होगा, ये चेंज वैसा ही होगा जैसा कि तब होता जब मैं सर्किट में एक नया वोल्टेज सोर्स लगाता, जिसको मैंने बोला कंपनसेटिंग वोल्टेज सोर्स, और उसकी पोलैरिटी में करंट के ऑपोजिट रखता। तो बेटा ये थर्ड सर्किट में मैंने कंपनसेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया है, और अगर आप पोलैरिटी देखोगे तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और मेरे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो मैंने करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों, सिंपल है आई गेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट इज, ये तो हो गया थ्योरम, अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, तो अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे इस डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी। भाई अगर मुझे थ्योरम वेरीफाई करनी है तो मुझे डेल्टा आई दो एंड से निकालना है और वेरीफाई करना है कि दोनों एंड से वैल्यू सेम आए। तो सबसे पहले तो मैं यहां से डेल्टा आई निकालूंगा, आई डैश माइनस आई या आई माइनस आई डैश, भाई एक बार ओरिजिनल रेजिस्टेंस लेके लूंगा, एक बार नया रेजिस्टेंस लेके लूंगा, दोनों जगह करंट निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपनसेटिंग वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आई इंटू डेल्टा जेड। ये वोल्टेज सोर्स मैं सर्किट में लगाऊंगा, और वोल्टेज सोर्स सर्किट में लगाने के बाद मैं फिर से सभी पैरामीटर्स को चेक करूंगा, और दोनों ही केसेस में, अब देखिए बच्चों यहां पर डेल्टा आई का वैल्यू क्या आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा आई का वैल्यू आना चाहिए वीसी डिवाइडेड बाय जेडटीएच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, दिस इज माय डेल्टा आई, राइट। इस प्रोसेस से और इस प्रोसेस से मेरा डेल्टा आई का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, बस यही मेरा थ्योरम है, फाइन। तो ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, प्लीज नोट दीज स्टेप्स डाउन, और हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, राइट। अब देखिए अगर मुझे डेल्टा आई निकालना है बच्चों, तो डेल्टा आई इज नथिंग बट आई डैश माइनस आई, आप कैसा भी ले सकते हो, दैट हार्डली मैटर्स। अब बच्चों मेरा आई डैश कितना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आई डैश, आप यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन टू आई डैश वॉज वी टी एच, दिस इज वी टी एच डिवाइडेड बाई जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड,
माइनस आई, आई का वैल्यू बच्चों कितना था, वी टी एच फ्रॉम इक्वेशन वन आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज वी टी एच अपॉन, दिस वुड हैव बीन जेड टी एच प्लस जेड, राइट। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, मैम वी टी एच अपॉन जेड प्लस जेड टी एच, राइट। एलसीएम दोनों ही टर्म मेरे एलसीएम में आ जाएंगे, जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड। जब फाइनली मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट यहां पर आ जाएगा बेटा डेल्टा जेड और यहां पर एक आ जाएगा माइनस साइन। तो अब यहां पर देखिए ये वी टी एच अपॉन जेड प्लस जेड टी एच, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे, ऐसे दिस इज माई वी टी एच अपॉन जेड प्लस जेड टी एच, यहां पर देखिए दिस इज, तो मैं उसको वैसे ही रिप्लेस कर दूंगा, राइट, इट विल बी रिप्लेस्ड, क्लियर है, इट वॉज सिंपल। अब देखिए वैल्यू अगर रखूंगा तो कितना आएगा, ये वैल्यू मेरा आई का वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट आई, तो यहां से मुझे डेल्टा आई कितना मिल गया, डेल्टा आई इज माइनस आई डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई दिस इज जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहां से मुझे डेल्टा आई का डायरेक्ट वैल्यू भी मिल गया, बट हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम डेल्टा आई नॉर्मली कैलकुलेट ही करेंगे, क्लियर है ना। अब यहां से अगर आप चेक करें दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपने डेल्टा आई का वैल्यू निकाला हुआ, वी सी अपॉन जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं बेटा अपने इस इक्वेशन से, दिस इक्वेशन से, तो यहां से आई कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट वी सी इज माइनस आई डेल्टा जेड। अब देखिए मैंने स्टेप नंबर थ्री में आपको बताया था कि मैं कंपनसेटिंग वोल्टेज लगाता हूं, दिस आप देखिए मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके ला रहा हूं तो भी मेरा कंपनसेटिंग वोल्टेज का वही वैल्यू आ रहा है, दिस इज द आयरनी ऑफ दिस थ्योरम। मैंने आपको सर्किट से सॉल्व करके दिखाया तो भी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे जो मुझे वीसी मिल रहा है वही वीसी मैंने सीधे अज्यूम कर रखा है। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल डिट्टो यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले आई निकालेंगे फिर आई डैश निकालेंगे, उसके बाद आई माइनस आई डैश निकालेंगे, वहां से मुझे डेल्टा आई मिल जाएगा, उसके बाद डेल्टा जेड निकालेंगे और एक कंपनसेटिंग वोल्टेज बना के नया सर्किट बनाएंगे और दोनों वैल्यूज को बच्चों कंपेयर कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस में सेम लॉजिक फॉलो होगा, एक क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं आर का वैल्यू 4 ओम से 2 ओम तक चेंज करूं तो फॉर दैट केस आई हैव टू वेरीफाई द कंपनसेशन थ्योरम। तो सबसे पहले चलिए मैं आर का वैल्यू 4 ओम रखता हूं और करंट का वैल्यू निकालता हूं। तो जब आर का वैल्यू 4 ओम है, दिस आर हैज टू बी चेंज फ्रॉम 4 ओम टू 2 ओम, लेट द करंट बी आई वन हेयर and let the current be I2 here, mesh 1, mesh 2 दोनों में अलग अलग KVL निकालते हैं और I1, I2 का value निकालते हैं। तो सबसे पहले mesh 1 में KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 minus I1 minus 4 I1 minus I2 is equal to 0, तो ये equation आ जाएगी बच्चों 1 minus I1 minus 4 I1 plus 4 I2 is equal to 0, तो ये आ जाएगी बच्चों 5 I1 माइनस फोर आई टू इज इक्वल टू वन, राइट, ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड लूप में बच्चों केवीएल लगाएंगे तो मेरी क्या इक्वेशन आएगी, मैं सीधे लिख रहा हूं आप भी समझ जाएंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सेकेंड लूप में इक्वेशन आएगी माइनस एट आई टू माइनस फोर आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू जीरो, राइट, तो दिस विल बी फोर आई वन माइनस ट्वेल्व आई टू is equal to 0, this is equation 2, इन दोनों को सॉल्व करके मैं i1 i2 निकाल सकता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं i1 का वैल्यू आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा कितना ही वैल्यू आएगा, i1 will be 3 upon 11 ampere and i2 will be 1 upon 11 ampere, right, ये वैल्यूज आप निकाल लेंगे। By now I hope आपको KVL KCL में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो केस टू करते हैं। अच्छा अगर मैंने I1 I2 निकाल लिया है तो बेसिकली मुझे करंट तो इस वाले रेजिस्टेंस में निकालना है, तो कितना करंट जाएगा इसमें, I1 माइनस I2,
अब देखिए यहां से I1 जा रहा है ऐसे और यहां से I2 जा रहा है, तो इधर से बच्चों इधर से दिस वे यहां से कितना करंट जाएगा, दिस विल बी I1 माइनस I2, तो 3/11 माइनस 1/11, तो 2/11 एम्पियर, राइट। यानी कि जब 4 ओम का रेजिस्टर है तो सर्किट में करंट है बच्चों 2/11 एम्पियर। अगर मैं इसको अपने थ्योरेटिकल वाले पार्ट से कंपेयर करूं तो ये मेरा आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू, राइट आई। अब मैं आई डैश निकालूंगा भाई, अपने जैसे मैंने आपको थ्योरम प्रूफ करके दिखाई थी उसके हिसाब से अब मुझे आई डैश निकालना है। आई डैश के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने सर्किट को फिर से बनाना है, और अब की बार मुझे क्या करना है, मैं सीधे यहीं पर आर को अगर मैं अब की बार कर दूं 2 ओम, राइट, और मान लेता हूं यहां से करंट जा रही है अब की बार I1 डैश और यहां से करंट जा रही है I2 डैश, राइट, सिंपल है। तो 1 - I1 डैश - 2 I1 - I2 = 0 सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन आएगी, मैं सीधे इक्वेशन लिख रहा हूं आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 I1 - 2 I2 will be 1। ऐसे ही जब मैं सेकेंड लूप में केवीएल लगाऊंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों -2 I1 - 10 I2 = 0। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट I1 - 5/13 एम्पियर एंड I2 - 1/13 एम्पियर। अब बच्चों अगेन यहां पर नेट करंट आई डैश कितनी है, आई डैश इज अगेन I1 - I2 तो दिस इज 4/13 एम्पियर, ये बच्चों मेरा आई डैश है, दिस इज आई डैश, राइट। ध्यान से समझेंगे, ये मैंने आई निकाल लिया, ये मैंने बच्चों आई डैश निकाल लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा आई कितना होगा बच्चों, I डिफरेंस I डैश। देखिए I और I डैश का वैल्यू देखिए कितना आएगा बच्चों, 4/13, या I माइनस I डैश भी कर सकते हैं, 2/11 - 4/13, राइट। इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरा आंसर आना चाहिए, सीधे लिख रहा हूं -8/143 एम्पियर। ये प्लस, देखिए ये प्लस और माइनस इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने आई डैश पहले लिया है या आई पहले लिया है, ठीक है, दैट हार्डली मैटर्स, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में अपना वोल्टेज सोर्स रिवर्स पोलैरिटी पे लगा रहा हूं, राइट, तो मैंने डेल्टा आई बच्चों निकाल लिया। अब मेरा कंपनसेशन थ्योरम कहता है कि मुझे कंपनसेटिंग वोल्टेज निकालना है जिसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, कंपनसेटिंग वोल्टेज की वैल्यू है आई, जो मेरा ओरिजिनल करंट बोला है। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है, जब मैं कंपनसेटिंग वोल्टेज लगा रहा हूं तो मुझे करंट वही लेना है जो मेरा ओरिजिनल केस वन में आया था। केस वन में बच्चों करंट कितना आया था, 2/11, डेल्टा जेड कितना है, 4 से 2, मतलब 2 - 4 या 4 - 2, कैसे भी चाहे आप कर सकते हैं -2, तो दिस इज -4/11 वोल्ट, ठीक है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से अपना सर्किट बनाना है, आई हैव टू रीड्रॉ द सर्किट, कैसे, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या करना था बच्चों, मुझे उस पर्टिकुलर ब्रांच पे जहां पर मैं चेंजेस कर रहा हूं वहां पर पहले तो मैं वो वोल्टेज शॉर्ट कर दूं, एक मेरे पास 1 वोल्ट का था वोल्टेज, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 वोल्ट था ये मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, और ये वाला 1 ओम मैं एज इट इज लगा देता हूं, ये मैंने 1 ओम एज इट इज लगा दिया, फाइन। यहां पर एक मेरा डेल्टा जेड आ गया भाई, मुझे वीसी के साथ जेड प्लस डेल्टा जेड बनाना था, तो मैंने एक 2 ओम लगा दिया, 2 ओम लगाने के साथ साथ अब की बार मुझे वीसी, यहां पर मुझे वीसी लगाना है, और यहां पर 8 ओम बेटा ऑलरेडी लगा हुआ था एज इट इज, तो ये 8 ओम मैंने एज इट इज लगा दिया। वीसी की वैल्यू कितनी है, मैंने यहां पर निकाली है -4/11, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरा डेल्टा आई अगर ऐसा है तो वीसी को मैं ऐसा लूंगा, लॉजिक समझिएगा, मैंने बोला था डेल्टा आई और वीसी की पोलैरिटी अलग है और मुझे यहां से डेल्टा आई निकालना है, ठीक है ना, अब यहां से मुझे डेल्टा आई अगर निकालना है तो आप देखिए ये और ये दोनों पैरेलल में, तो 8
पैरेलल टू 1, दिस विल गिव मी 8/9, ठीक है ना। अब 8/9 और 2 सीरीज में है तो R इफेक्टिव हो गया 8/9 + 2, फाइन। सो दिस विल बी 9 × 2 = 18, 18 + 8 = 26/9, राइट। तो बच्चों डेल्टा I कितना हो जाएगा, डेल्टा I हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, VC अपॉन R इफेक्टिव, R इफेक्टिव 26/9, VC का वैल्यू कितना है 4/11 / 26/9, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट 4/11 × 9/26, फाइन। तो 2 × 2 = 4, 2 = 13, अब 11 × 13 दिस विल गिव मी 143, 9 × 2 = 18, राइट। तो दिस इज डेल्टा आई 4/11, एक बार चेक कर लीजिए कुछ, दिस हैज टू बी 20, 9 = 18, 18, 19, 20, 26, दिस इज 26, 4/11 × 9/26, 2 × 2 = 4, 2 = 13, 9 × 2 = 18, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 143, 11, 13, 13 × 2 = 26, 26, 13 × 11, 11 × 2 = 44, 44 − 26 = 30, 18, this has to be -18, यहाँ पे भी बच्चों -18 आएगा, तो this will be -18, not 8, right? तो ये value देखिए और ये value देखिए, in both the cases you are getting the same value of delta I, right? और यही मेरी compensation theorem थी। अब देखिए इस प्लस माइनस से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्लस माइनस, अब देखो कितनी जगह पे प्लस माइनस में आपसे गलती हो सकती है, एक तो डेल्टा जेड निकालने में, डेल्टा जेड निकालने में जेड माइनस डेल्टा जेड हमें करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन से आपका लॉजिक काफी क्लियर हो गया होगा। देखिए सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, बाकी एज आई ऑलवेज से अगर नेटवर्क थ्योरम में आपको केवीएल और केसीएल पता है देन द वर्क इज डन, otherwise you will be having problems, that is for sure you will be having problems, so please make sure ki aapse ye galti na ho, KVL KCL one, clear hai। chaliye with this we come to the end of the lecture, I hope aapko compensation theorem samajh mein aayi hogi, mera jitna bhi theoretical wala part hai do pause the video and make a note of it, that is important, bahut se bachchon ko इन एंड आउट थोड़ा सा कंपनसेशन में प्रॉब्लम रहता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, पोलैरिटी नहीं बन रहा, तो प्लीज डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ऑल्दो ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप। वन मोर थिंग, कंपनसेशन थ्योरम इज नॉट देयर इन योर गेट सिलेबस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्दो इट डज होल्ड अ लॉट ऑफ वेटेज इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सो प्लीज गो थ्रू इट इफ यू फाइंड द कॉन्टेंट वर्दी इनफ, इफ द लेक्चर वॉज फ्रूटफुल फॉर यू, डू लाइक इट, शेयर इट amongst your friends, subscribe the channel, most importantly stay well and steady well, thank you।